जय माता की। ट्रेन से बोलो जय माता। जय माता दी। तो अभी हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ क्या कहते हैं स्टेशन के उस छोर से इस छोर पे आ चुके हैं। अब इसमें बैठेंगे, फिर 2.5 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? कटरा। कटरा। और क्या प्राइस लगता है यहाँ का टिकट का? बहुत नॉर्मल प्राइस है। कितना? ओनली 60 रुपीज़ एक आदमी का। हाँ वाह, सुपर फास्ट का है। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आप लोगों को। एवरीवन, हम लोग वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। अब यहां से सफर आपका कटरा है ना? ये कटरा पहुंच गए, यहां पे होटल पे स्टे करके कल सुबह हम लोग धाम के लिए निकलेंगे। तो सबको यही है और काफ़ी मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हुआ आने में। हाँ, आगे आगे से दिखा देंगे, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुआ। तो आगे कौन सा होटल लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, तो दिखाएंगे आप लोग को। और बने रहिए ब्लॉग में। जय माता दी। हम लोग चलते हैं जय माता की दरबार में। पहली बार हम तो आए हैं, ये तो बहुत बार आई है, लेकिन हम तो आज पहली बार आए, लेकिन माँ की कृपा होगी जो बढ़िया से हम खुल करके चढ़ जाएंगे माता के दर्शन के लिए। हम क्या गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस यही स्टेशन है और इसी पहाड़ पे हम लोग को चढ़ाई करना है। और मेरी आवाज़ इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि हम इंसा का कवर अपने मुंह में चापे हुए हैं। चलिए गाइस, चल रहे हैं हम लोग। चलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस हम लोग बाहर आ गए और आपको दिखाते हैं, मतलब ये रहा स्टेशन बाहर का, ये रहा माहौल। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी नहीं मतलब भाई भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्लीपर बोगी को भी जनरल बोगी बनाए हुए थे। और घर से आते वक्त का ब्लॉग इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया कि कुछ खास नहीं था मेरे पास। क्या आंटी बाहर नहीं है? चलिए सर, अब जब भी आंटी कुछ बोलेगी तो बस कैमरा उनके तरफ घुमा देना है, तब आंटी शांत हो जाएंगी। वैशु हमारी परेशान है, जूता का फीता बांधते बांधते। ओह चलो चलो चलो, काफ़ी साफ़ सुथरा जगह है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। ओके गाइस, अब जा रहे हैं होटल की ओर, अब होटल के पास दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भारी है झोला। तो गाइस स्टेशन से निकलने के बाद आपको होटल लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा चुकीमा करना पड़ेगा, इधर उधर इधर उधर घूमना पड़ेगा और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ रूम लेना है कहाँ नहीं। अभी तो बस स्टैंड के पास जा रहे हैं हम लोग रूम लेने के लिए, फिर देखते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से क्या रूम है, फिर उसके बाद डन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं डील क्रैक करते हुए अब जा रहे हैं होटल की ओर। गाड़ी में बैठ गए हम लोग, भूख बहुत ज़्यादा लगा है इसलिए अभी बकर बकर नहीं करेंगे हम। एक वो होटल का शॉट दिखा देंगे, खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद आपको ब्लॉग करके दिखाएंगे। ओके गाइज,